परिवार की रक्षा की जाए। युद्ध जीतने के लिए बाहुबल की नहीं मनोबल की आवश्यकता होती है। पुरु के पास भले ही सैन्य बल संख्या में कम था, किंतु अलेक्जेंडर के लिए जीत का मार्ग इतना सुगम नहीं था जितनी उसने कल्पना की थी। दिन ब दिन पुरु को लेकर पौरव वासियों की श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। पुरु ने अपने महल पर अब भी कब्जा जमा रखा था। वो लड़ रहे थे चाहे दिन हो या रात, संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक संघर्ष अलेक्जेंडर के भीतर भी चल रहा था, जिसकी अग्नि उसे अंदर ही अंदर जला रही थी, उसे विचलित कर रही थी। वो उस घायल सिंह की भांति था जिसके हाथ शिकार आते आते रह जाता, उसके संयम का बांध अब टूटने की कगार पर था। दिन रात में और रात दिन में बदल रही थी, किंतु परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। पुरु अपने संघर्ष में ज्यों का त्यों बना हुआ था और अलेक्जेंडर भी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं था। और वहां मेरा बेटा पुरु मुझे दिए वचन की लाज निभाने को अलेक्जेंडर और उसके लक्ष्य के मध्य खड़ा था, अडिग अचल। युवानों के अथक प्रयासों के बाद भी वो पौरव महल और पौरव सैनिकों को अपने अधीन नहीं कर पा रहे थे। पुरु की दृढ़ता ने अब अलेक्जेंडर को विवश कर दिया था कि वो अपनी मांड से बाहर निकले और सामना करे भारत के रक्षक मेरे पुत्र पुरु का। एक दूसरे का प्रारब्ध लेकर जन्मे पुरु और अलेक्जेंडर अपने अंतिम युद्ध के लिए आमने सामने थे। ये युद्ध था दो सोचों का और दाव पर थी भारत की स्वतंत्रता। रस्सी जल गए पर पल नहीं गया। मैंने तुमसे तुम्हारा मुल्क छीन लिया। तुम्हारा ये महल इस वक्त मेरे कब्जे में है और फिर भी तुम मुझे ललकार रहे। ऐसा भी क्या गुरूर पोरस? ये अहंकार नहीं है अलेक्जेंडर, इस भावना को हम भारतीय देश प्रेम के नाम से जानते हैं, जो हमारे हृदय में धड़कन बनकर दौड़ती है, जो हमें बल और साहस देती है अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का। हो सकता है कि तुम मुझसे मेरा महल छीन लो, मेरा सिंहासन, मेरा शासन छीन लो, पर मेरी मातृभूमि के प्रति मेरा प्रेम, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरा आदर, उसे तुम कभी नहीं छीन पाओगे। मुझे मार भी दोगे पर मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। तुम्हारी सोच को मारना था पोरस, इसलिए इतना इंतजार किया। तुम्हें तो मैं कब का मार सकता था, लेकिन आज तुम्हारी सोच मेरे सामने झुकेगी और तुम ये कबूलोगे कि भारत वालों के जज्बे ने अलेक्जेंडर के सामने अपना दम तोड़ दिया। तो ठीक है अलेक्जेंडर, आज का ये युद्ध केवल तुम्हारे और मेरे मध्य होगा। देखते हैं कि तुम्हारा नाम झूठा है या मेरा साहस, तुम्हारे षड्यंत्र की जीत होती है या मेरी सोच की। आज का ये दिन पूरा संसार याद रखेगा कि जो अलेक्जेंडर पूरा संसार जीत कर आया,
उसे इस गुरु ने भारत से खाली हाथ लौटाया। खाली हाथ नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे मुल्क की बागडोर और तुम्हारी गुलामी से जकड़े पैरों की बेड़ियां साथ लेकर जाऊंगा। जब यज्ञ बड़ा हो तो आहुति भी बड़ी ही पड़ती है। भारत की स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में पुरु अपने प्राणों की आहुति देने को सज्ज था, किंतु वो विश्वस्त था कि चाहे कुछ भी हो, अलेक्जेंडर को कभी जीतने नहीं देगा। अपनी हार कबूल कर लो पोरस, तुम्हें बख्श दूंगा। वहां देखो अलेक्जेंडर, वहां मेरी पत्नी की गर्भ में मेरी संतान पल रही है, जो इस युद्ध की साक्षी होगी। उसके लिए मेरी अर्थी का भार अधिक सरल होगा बजाय इस अपराध बोध के कि उसके पिता शत्रु के समक्ष चुप रहे, जिनके कंधों पर देश की रक्षा का भार है। मुझे मेरे संस्कार मेरे माता पिता से मिले हैं और वही संस्कार मेरी संतान को भी मिलेंगे। भले ही जन्म लेने के पश्चात मेरी संतान के सर पर मेरा हाथ ना हो, पर गर्व होगा उसे कि उसके पिता के ये हाथ मातृभूमि की रक्षा में कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं। आओ अलेक्जेंडर, करो प्रहार। पुरु के व्यक्तित्व को परिभाषित करती थी ये सोच कि मातृभूमि से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं। देश का मान उसका गर्व था, देश का सम्मान उसका आत्मसम्मान था। पुरु और अलेक्जेंडर के मध्य युद्ध चलता रहा। दोनों के शरीर थक गए थे, किंतु उनकी सोच अब तक अटल थी। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। भारत जय हो।
क्या पाओगे इस लड़ाई से पोरस? यही अंतर है तुम में और मुझ में अलेक्जेंडर। तुम युद्ध लड़ते हो कुछ पाने के लिए और मुझ में देने की चाह है। राजकुमार हूं पर दस्यु लोक में मेरा जन्म हुआ। वहां ना ही मेरा कोई परिवार था और ना ही मेरी कोई पहचान, किंतु बहुत छोटी आयु में मैंने ये सीख लिया था कि कुछ पाना जीने का उद्देश्य नहीं बल्कि वो लौटाना है जो हमने अपने लोगों से पाया, अपनी धरती अपनी माटी से पाया। और ये युद्ध में वही ऋण चुकाने के लिए लड़ रहा हूं जो मेरी माटी का मुझ पर है। किंतु तुम ये युद्ध मेरे देश पर अधिकार करने के लिए लड़ रहे हो। मुझे मेरी हार स्वीकार करवाना असंभव होगा तुम्हारे लिए, और मेरा सर काटने के पश्चात भी मेरे पैरों को तुम्हारी पेड़ियों में जकड़ा जा सके, ये असंभव होगा। अलेक्जेंडर, खत्म करो अब इस जंग को। तो आज तुम्हारी जिंदगी का फैसला दुनिया का खुदा अलेक्जेंडर करेगा। स्वयं को ईश्वर मानने से ईश्वर नहीं बन जाओगे अलेक्जेंडर। किसकी मृत्यु कब होगी इसका निर्णय मृत्यु स्वयं लेती है। पुरु हो या अलेक्जेंडर, राजा हो या रंक, ये मृत्यु पक्षपात नहीं करती। और आज ये पुरु मर भी गया तब भी शान से मरेगा। इसी माटी में जन्मा हूं, इसी माटी में मिल जाऊंगा। और तुम सब कुछ पाकर भी इस संसार से खाली हाथ लौटोगे, क्योंकि तुम मेरी सोच को कभी नहीं मार सकोगे। मेरे ये लोग मेरी सोच को जीवित रखेंगे और यही सोच अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ पोरस। आज तुमने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया पोरस, जैसा मैंने आज तक नहीं सोचा। और आज जो मैं करने जा रहा हूं वैसा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो बताओ पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो फिर मेरे सामने झुका राजा क्या करेगा? तो फिर से अपनी सेना बनाऊंगा और तुम्हें खदेड़ने का प्रयास करूंगा। हाँ अलेक्जेंडर, यही है मेरी सोच। और जब तक ये सोच जीवित है हम भारतीय स्वतंत्र हैं और सदा स्वतंत्र ही रहेंगे। ये शमशीर मेरे साथ मेरी पहली जंग से है पोरस, जब मेरी उम्र महज 16 साल थी। और तब से शमशीर के साए में मैंने दुनिया के हर मुल्क को लिया।
इसके सामने या तो सिर झुक गए या कट गए। पर इस बार की बात कुछ अलग है पोरस। इसलिए आज अलेक्जेंडर की यह शमशीर तुम्हें सलाम करती है पोरस। हाँ पोरस, मैंने महज एक मोर्चा जीता है, असली जंग तुमने फतेह की है। सही कहा था तुमने, तुम्हारी सोच से जीत पाना वाकई नामुमकिन है। वो सोच जिसने मेरी सोच बदलने पर मुझे मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए तुमसे तुम्हारी सारी ताकत छीन ली, पर तुमने हार नहीं मानी। मैंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया, मगर तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। मैं जंग जीतने के लिए खिड़ता गया, लेकिन तुम अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए ऊपर और ऊपर उठते गए। आज मैं सबकी मौजूदगी में यह ऐलान करता हूं पोरस कि मैंने तुम जैसा चाबाज अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पोरस, अफसोस कि मैंने इतना वक्त तुम जैसे शख्स से दुश्मनी में बिताया। तुमसे दुश्मनी में मैंने इतना सब कुछ सीखा। काश तुम्हारा दोस्त होता तो न जाने क्या क्या सीख पाता। मैंने महानता छीनने की कोशिश की पोरस, लेकिन तुमने उसे अपने हौसलों से पाया। इसलिए जब तक दुनिया में अलेक्जेंडर का नाम लिया जाएगा, तब तक पोरस का नाम इज्जत से लिया जाएगा। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम जय। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम। अब वक्त आ गया है जब हम अपने मुल्क लौट जाएं। पोरस ने मुझे यह एहसास करवाया कि अपने वतन से मोहब्बत कितनी अहम होती है। दूसरों की जमीन को तो बहुत नेस्तो नाबूद कर लिया हमने, अब अपनी सरजमी को सजाएंगे। नफरतें बहुत की हमने, अब मोहब्बत से अपने मुल्क में जिंदगी बिताएंगे। शाह अलेक्जेंडर के, 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 शाह अलेक्जेंडर के। जाने से पहले एक चीज है जो तुम्हें लौटानी है पोरस। एक अतिथि को भेंट दे रहा हूं और एक शत्रु को परास्त करके उससे वापस छीन लूंगा। तुम्हारी फतह की निशानी कबूल करो पोरस। मैं यहां से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साथ लेकर जा रहा हूं कि अपनी सरजमी की मोहब्बत से बड़ा और कोई जज्बा नहीं होता। और अपने साथ लेकर जा रहा हूं तुम्हारे जैसे अजीम शाह की दोस्ती की दौलत। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की जय। महाराज पुरुषोत्तम की जय। शाह अलेक्जेंडर की जय। शाह अलेक्जेंडर की जय। शाह अलेक्जेंडर की जय। मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी संतान को ढाल बनाया तुमने। आक्रमण! प्राची! प्राची!